पाली के सुमेरपुर में विधायक जोराराम कुमावत की प्रेरणा के बाद अब श्री माधव सेवा संस्थान भोजन पैकेट का वितरण करेगा। इससे पहले संस्थान शहर में 19,000 मास्क का वितरण कर चुका है। अब संस्थान शहर के जरूरतमंद लोगों के बीच 2,000 भोजन के पैकेट का वितरण करेगा। इस दिशा में सिद्धिविनायक अस्पताल के डॉक्टर नरेश दादलानी ने 200 भोजन पैकेट, पूर्व अधिशासी अधिकारी अनोप सिंह राठौड़ ने 150 पैकेट, खिंदारा गांव में नरेश भाई ने 150 पैकेट, पारस माली ने 100 पैकेट, मुंबई के अरविंद भाई गहलोत ने 100 पैकेट, कामेश्वर बिल्डर्स ने 100 पैकेट, माधुराम देवासी ने 50, श्रीराम स्टोर्स के प्रकाश भाई ने 50 पैकेट और रतन नामदेव ने 30 भोजन के पैकेट दिए हैं, जिस पर विधायक कुमावत ने संस्था पदाधिकारियों और भामाशाहों का आभार जताया है। मंगलवार को कार्यक्रम के दौरान विधायक जोराराम कुमावत, नगरपालिका अध्यक्ष उषा कंवर, उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा और मगनलाल कुमावत सहित कई समाजसेवी और भामाशाह मौजूद रहे। विधायक जोराराम जी की प्रेरणा से हमने व्हाट्सएप के माध्यम से एक अपील करी और उस अपील से सुमेरपुर के काफी गणमान्य लोगों द्वारा, व्यापारी वर्ग द्वारा हमें राशन किट सामग्री तैयार करने के लिए जो सहयोग मिला वो अभूतपूर्व सहयोग मिला है। हमने मात्र 2 दिन में 850 किट तैयार किए हैं और निरंतर नई नई घोषणाएं आ रही है और हमें विश्वास है कि हम ये आंकड़ा जो है 1,000-1,200 तक आराम से 1-2 दिन में पहुंचा देंगे और सभी ग्राम पंचायतों के माध्यम से